सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह का टाइम हो चुका है अभी 11, क्योंकि हम लोग जल्दी उठ गए थे, लेकिन आज जो हमारी हमने जो नई मेड लगाई थी उसके चक्कर में हमें लेट हो गया। वो आई पहले तो वो डिसाइड कर गई हाँ मैं इतना लूँगी, फिर उसके बाद आपकी कहती नहीं मैं इतना लूँगी, काम ज़्यादा। भाई काम क्या ज़्यादा, जो तुम देख के गए थे पहले वही तो काम है, तो इसलिए। तो फिलहाल अभी यहाँ पर बन रहे हैं हमारे मसाला ओट्स और हम लोग लेने वाले हैं अपने सुबह की मील, और फिर हमें जाना है अपना अपने ऑफिस में। हाँ, अंधेरी जाना है हमें, हमारी जो टीम है वहाँ पे उनसे मिलने जाना है, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे। एंड उसके लिए हमें फटाफट फटाफट देख लो यशी जाऊ लगा भी बेचारी ना दो के बर्तन भी नहीं धोए मैंने, कहा अब दो चार ही थे मैं, अब वो दो चार बर्तन भी एक इतने सारे बर्तन मैं तो नहीं मान सकती। तो फिर हमने इसको इसलिए बोला कि कोई बात नहीं आप रहने दो, कोई चक्कर नहीं। तो बस फटाफट पहले मील ख़त्म करते हैं, फिर नहाते हैं, फिर जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। है हमारी आज की मील, बादाम अखरोट एंड मसाला ओट्स, इसके साथ एप्पल और स्प्राउट्स भी होने थे। स्प्राउट्स हमने करी भिगो के रखे हैं, तो वो अभी आज तक बन जाएंगे, कल आज रात तक, तो हम कल से लेना शुरू कर देंगे। एंड एप्पल हमारे पास था नहीं, तो ये खा रहे हैं अभी हम। सो गाइस, फाइनली हम दोनों रेडी हो चुके हैं, मैंने पहन ली अपनी नई वाली टी शर्ट। और क्यों तेरा क्यों नहीं दिखाऊँ, इधर आ जाओ चुपचाप। ये देख लो, ये है मेरा लुक गाइस, मैंने आज पहनी ये जीन्स, मेरे को आने लग गई, इसका मतलब है पतली हो गई। और ये देख लो जरा ये देख लो, स्टाइल नहीं खत्म हो रही भाई इसकी, इसकी स्टाइल नहीं खत्म हो रही, तब से मांगने वाली लग रही है, कतई मांगने वाली, सही बता रही हूँ मैं। ये जो नीचे खुली खुली जीन्स पहने हैं, कतई मांगने वाली लग रही है। आगे से आप अगले कुछ महीनों के लिए ये जीन्स झेलने वाले हो गाइस, अब मैं दिल पक्का कर लेना, मेरे को नहीं पता कैसे लग रही है, बता पकड़ शूट कर, मैं सुना आई मैं स्ट्रेट हेयर पकड़ उसको निकाल, जान पकड़ ले एक बार फोन उसको निकाल, हेयर कट कैसा लग रहा है मेरा, बहुत शानदार लग रहा है, ले पकड़ एक बार, इसमें हेयर कट नहीं दिख रहा ना आजकल लुक। और मेरा फेस कैसा लग रहा है आपको, मैंने मॉइस्चराइजर लगाया है और अपना लगाया है मैंने सनस्क्रीन डॉक्टर वाली। कैसा लग रही हूं, कैसा लग रही हूं आज मैं, आज मुझे इंटरनली फील हुआ कि मैं अच्छी लग रही हूं। आओ साथ में दिखाते हैं कैसे लग रहे हैं दोनों। ओ मेरी बेटी आ जा, लग रहे हैं सारी बेटी के लग रहे हैं सारी बेटी। तो चलो गाइस, हमारा ऑटो आ गया है नीचे, हमें ऑटो से जाना है गाइस। तो कैब का भी इतना ही लगता है मुंबई में, ये मुंबई है ठीक है ना, यहाँ पे ऑटो और कैब में कोई डिफरेंस नहीं है। लो कैब से ज्यादा जा रहा तो मैं उल्टी में पागल हो जाऊंगी, चल लो पकड़ो जाओ बिल्कुल मांगना लग रही, सही बता रही हूँ मैं तेरे को। क्योंकि गर्मी बहुत ही ज्यादा हो रही है गाइस, 32 डिग्री टेम्परेचर होता हुआ यहाँ पे, इसलिए जस्ट अभी अभी निकले हैं ऑफिस से। और आज हम लोगों ने शूट नहीं किया क्योंकि आज कुछ मतलब बिजी थे एक्चुअली हम लोग किसी काम में, आज कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशंस थी आगे के प्लान्स के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट, हाँ चैनल को लेके बहुत सारी चीज़ों को लेके, तो उनकी डिस्कशंस हुई थी हमारी, वो उसी के लिए एक मीटिंग थी, तो मज़ा आया, फाइनली लंच वगैरह किया वहीं से, मज़ा आया, मतलब लंच पे दाल खिचड़ी खाई और कुछ नहीं खाया हमने। अभी घर के लिए निकल रहे हैं गाइस, तो आपको मिलेंगे घर पे जाके, चलो गाइस टाइम हो चुका है शाम के, बाबू कितने बजे हैं, 5:30 बज चुके हैं, और हम लोग जस्ट अभी अभी घर पे आए हैं। और मैं बता दूं, आज लिटरली किस्मत अच्छी समझ लो, या मतलब हमने हमारे कोई अच्छे कर्म होंगे ये समझ लो, या कैटू के अच्छे कर्म है हमारे साथ, पता नहीं क्या है। हम लोग वहाँ पे यहाँ से निकले थे 12:45 के आसपास, 12:45 के आसपास ठीक है, और अभी हम 5:30 बज रहे हैं, हम लोग अब आए हैं, और हमारा जो मेन गेट था ना ये आज ओपन रह गया था। मतलब ओपन कैसे रह गया मैं बोला तो, मैंने लॉक किया था, मुझे लिटरली ध्यान नहीं आ रहा कि मेरे से ही ओपन रहा है कि इंटेंशनली कुछ हुआ है, समझ नहीं आ रहा कुछ भी, लेकिन ये ना ये ऐसे था आज,
ये देखो ये ऐसे ऐसे लॉक था ये, और ये पूरा इतना खुला हुआ था गेट, इतना गेट ये खुला हुआ था, ठीक है। और लिटरली जैसे ही हम लोग ऊपर आए ना, फट गया हमारी सही में देख के उसको कि ये मतलब हुआ क्या। और आज वॉलेट भी छोड़ गए थे घर पे। हाँ, वॉलेट भी घर पे ही था। मतलब ये था कि आज गलती से वॉलेट भी छूट गया था इनका, तो भगवान की दुआ ही है बस ये। और सामने आपको पता है काम चल रहा है, हम दो तीन दिन से बता ही रहे हैं आपको। जस्ट हमारे घर के सामने का जो फ्लैट है ना, उधर काम चल रहा है, और सामने बिल्कुल हमारे जो पास वाला फ्लैट है ना, उन्होंने वहाँ से वायर ली हुई है। तो हम लिटरली शॉक्ड हो गए देखे कि दोनों घर कैसे खुले पड़े हैं। पहले मुझे ये लगा कि दोनों घर कैसे खुले पड़े हैं। अगर मैं ऑनर का भी सोचूँ तो ऑनर ऐसे बिना पूछे थोड़ी ना खोल लेगा यार। तो भाई आज तो सही बता रही हूँ। और ये सोचो, ये अंदर ही थी, गेट खुला था, प्रॉपर गेट खुला हुआ था, ये आराम से बाहर निकल सकती थी, और ये अंदर ही थी। मेरी राजकुमारी ने बचा लिया तुमको। इधर बाबू, बाबू काटू काटू करके भगा दिया था क्या? कोई आया था क्या? हैं, कोई आया था हैं, बता दे, कोई आया था क्या? तूने काटू काटू सही में यार। बस थोड़ी देर में मिलते हैं, बहुत ही सर दुख रहा है यार, मिलता थोड़ी देर। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है दोपहर के कह रही हूँ, शाम के 7:15, और हम लोग जा रहे हैं अपने जिम पे वर्कआउट करने के लिए। गाइस ये देख लो जरा इसको, आज ये पहन के जाएगी आलिया। और मैं पहन के जा रही हूँ व्हाइट पजामो जो मैं नया लेके आई थी स्पाइकर का। गाइस हमारा घर इग्नोर करना, लोगों को मत दिखाओ यार, मत दिखाओ, पूरा फैला पड़ा है यार। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया यार, किसी को थोड़ी पता है, हम सुबह ही निकल गए थे, उसके बाद हम कितने बजे यार, हमने क्या, आई डोंट केयर। दो लोग हमें समझते हैं, वो लोग तो समझते ही है ना, फिर क्या हो गया। तो चलो यार निकलते हैं, लेट हो रहा है। रोज रोज तुमको चक्कर उल्टी आने लग जाते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम्हारा सोफे पे लेटने आए हो या फिर जिम करने आए हो? हाँ बताओ तो सही, ऐसे कैसे होगा तो काम डुगू? गाइस ये देख लो, ये बंदा जिम करने आया है, यहाँ पे पीछे इसके जिम है, और यहाँ पे आराम से सोफे पे लेटा हुआ है। नो ना, खड़े हो जाओ, लेटना नहीं है। चलो 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 घर चल रहे हैं। नहीं सोना नहीं है, चलो सोने आए हो यहाँ पे। थप्पड़ मत खा लेना मेरे से। हाँ तो पहले हम जा रहे हैं, मुझे यहाँ से वहाँ लिफ्ट तक जाने में बहुत सारी, यहाँ से वहाँ लिफ्ट तक नहीं जाया जाएगा, ठीक है? तो लाउड कैसे जिम हो जाता है ये बताओ, नहीं ऐसे कैसे होएगा जिम? मतलब तुम बताओगे कैसे होगा ऐसे जिम, ऐसे चलता रहा तो। आज वो बोल रहे थे ट्रेनर, कहते कल भी मैंने देखा आपको चक्कर आ गए थे। पहले दिन चक्कर नहीं आए, पहले दिन क्योंकि हमने कार्डियो किया था, समझ रहे हो? जबकि मुझे कार्डियो में ज्यादा लगता है कि आ जाएंगे, पता नहीं मुझे इसी बार आ रहा। मैंने लास्ट टाइम डीपी डबल लिया था, पता है, शुरू से। आप वही लो, आप वही लो, मुझे कुछ बात करें। ओके तो गाइस फाइनली रात के 10 या 10:30 बज चुके हैं, 10:30 बज चुके हैं आई थिंक, और अभी हमने जस्ट अभी डिनर किया है, और डिनर में हमारा वही सैंडविच लिया है वेजिटेबल्स का और पनीर एंड ऑल। तो आज फिर से जैसे कि आपने देखा डुगू को चक्कर आ गए थे, तो हमने ट्रेनर से बात की, और मैं जो मेरा फ्रेंड है मैंने उससे भी बात की, जीतू से भी, तो दो तीन चीज़ें ऐड ऑन करनी है। क्योंकि अभी दो तीन दिन से जब से जिम स्टार्ट हुआ है ना, तब से हो क्या रहा है कि हमारा ना शेड्यूल बहुत हैक्टिक हो गया। मतलब दिन के टाइम पर कहीं ना कहीं जाना पड़ रहा है, और ऐसे जाना पड़ रहा है कि पूरा दिन उसमें लग रहा है, तो बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा। और वर्कआउट की अगर बात करूँ तो वर्कआउट मैंने तो बहुत साल के बाद शुरू किया है दोबारा से। मतलब मैं जब रोजे पर में थी तभी आप भी उस टाइम पे कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट 3-4 साल के बाद जब आप वर्कआउट करते हो ना, तो आपकी बॉडी सब कुछ भूल चुकी होती है, और बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एक वो वेट था 59-60, और एक अभी वेट है 70-71, तो बहुत फ़र्क पड़ता है।
खैर थोड़े टाइम बाद हो जाएगा सब हैबिचुअल। फिलहाल तो आज लेग डे के चक्कर में बहुत बुरी हालत हुई पड़ी है, मतलब बहुत गंदी वाली, पैरों की और हाथों की, मतलब फोन भी नहीं पकड़ा था। थोड़ा सा एडजस्ट गाइस, आप लोग साहिब को बहुत मिस कर रहे थे ना, आप कहते साहिब को नहीं दिखाया, ये देखो क्या है ये देखना, इसी में सो जाएगा, इसको बहुत मजा आता है, इसमें कोई भी कार्टन हो लिफाफा हो ना उसमें रहने में इसको बहुत मजा आता है। इसका हमने घर मंगाया है, घर किसी काम का ही नहीं है। तो गाइज आज हम अपने क्विकी के ऑफिस गए थे, जहाँ पर जाके हमें बहुत मजा आया, हमने अपने नए चैनल और अभी जो चैनल चल रहा है उसके लिए काफी डिस्कशन की, यशस ब्लॉग के लिए डिस्कशन की कि आगे और क्या बेहतर करना है उसमें और क्या करें। तो बहुत हमें तारीफों के पात्र बने हम, हमें बताया गया कि हमारी जो ऑडियंस है यानी कि आप लोग, वो बहुत ज़्यादा हमसे कनेक्टेड हैं और मिलियंस वालों के भी वो चीज़ नहीं होती, तो ये चीज़ हमें मिली। और आने वाले टाइम में फेसबुक पे भी आपको कुछ कुछ देखने के लिए मिलेगा, टेंशन मत लो, बहुत जल्दी मिलेगा। तो वो सारी डिस्कशन हुई हमारी, मतलब इन चीज़ों के लिए। एंड अब हम लोग स्नैपचैट पे भी दिखेंगे आप लोगों को कुछ ही टाइम में, तो जिसने भी फॉलो नहीं किया हुआ प्लीज़ डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर जाके फॉलो कर लो। स्नैपचैट पर भी अपन मस्त कंटेंट डालेंगे, अब गाइस स्नैपचैट पे अलग कंटेंट डालेंगे, डिफरेंट जो कहीं नहीं डालेंगे वो बिल्कुल अलग डालेंगे, स्नैपचैट के फिल्टर यूज करके कंटेंट डालेंगे। और अभी अनस्टॉपेबल यशल्स पे आपने अगर वीडियो नहीं देखे तो जाके देखो गाइस, और सब्सक्राइब करो चैनल को, और उसके अलावा यशल शॉर्ट्स को। और मैं आपको बता दूं मकबैन पे भी आपको कुछ ही टाइम के बाद वीडियो जरूर मिलेगी, एक बार थोड़ा सा हमारा हाँ, मतलब ये रूटीन सेट हो जाए हमारा, उसके बाद आपको मस्त देसी स्टाइल की मकबैन मिलेगा वहाँ पे डेफिनेटली। बहुत जल्दी शूट करेंगे हम, और ब्लॉग तो अपना चल ही रहा है, ब्लॉग में थोड़ा सा आपको एक दो दिन एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पूरा टाइम मैंने बताया ना कि हम बहुत बिजी चल रहे हैं, दिन में कभी कुछ हो रहा है, कभी कहीं जाना है, कल का जाना है, सवाल लेने डाइट का, ऑनलाइन बोल दिया, ऑनलाइन बोला, ऑनलाइन बोला उसने, बोला ऐसे मत मंगाओ, ऑनलाइन मंगाओ, उसने वो साइट बताया ना हेल्थ करके फिटनेस करके कुछ। तो गाइज अब मेरा हाथ बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है मैं फ़ोन पकड़ूं, और आज मुझे बहुत अच्छा अच्छा फील हो रहा है, मतलब 3 दिन में ही बॉडी में बहुत चेंजेस नज़र आ रहे हैं, और फेस पे ग्लो भी दिख रहा है, तो मज़ा आ रहा है बहुत, डाइट के साथ साथ अब जिम भी करने में, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है यार। आज इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग और ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं है, कोई बात नहीं, कल मैनेज करेंगे। और आप हमें ये बता देना कि आपको जिम की वीडियोस चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो डेली तो बोरिंग हो जाता है ना, तो इसलिए मैंने आज थोड़ी सी, मतलब वो जब अपन ट्रेडमिल कर रहे थे ना, तो बस हल्की सी मैंने पैरों वाला शूट किया था। ओके। तो अगर आपको जिम की वीडियो चाहिए तो ही हम शूट करेंगे, नहीं तो फिर हम नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप चाहोगे तो हम आपको बता देंगे क्या क्या हम वहाँ पे कर रहे हैं ये चीज, और अगर बोर करे तो वो भी बता देना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं कल के व्लॉग में, कल मैं आपको सफाई अभियान दिखाऊंगी। और एक चीज और कि अनस्टॉपेबल यशल्स के लिए नेक्स्ट वीडियो आप क्या चाहते हो, कुछ मतलब चैलेंजेस से रिलेटेड चाहते हो, या फिर कुछ किसी कोई रिव्यू चाहते हो किसी चीज का, जैसे मूवीज के रिव्यू हो गए, या फिर कोई फनी जो क्लिप्स रहती है उनके ऊपर आप चाहते हो रिएक्शन हमारे, रिएक्शन वीडियो बेसिकली जो भी आप इसके लिए कमेंट करोगे ये आप अनस्टॉपेबल यशल्स की वीडियो पे ही जाके कमेंट करना, क्योंकि वहां पे जाके हम देखेंगे कि क्या आपने किया है, और उसी के अकॉर्डिंगली हम अगला वीडियो लेके आएंगे, और जल्दी लेके आएंगे, और जल्दी बताना, जल्दी बताना प्लीज यार, क्योंकि हमें फिर उसके ना एडिटिंग, क्योंकि अनस्टॉपेबल यशल्स पे जो वीडियो आता है ना उसमें कम से कम 4 घंटा तो मिनिमम जाता है एडिटिंग का, और मैं 4 घंटा जब ऐसे रहती हूँ ना तो मेरे को बहुत, जिस दिन अनस्टॉपेबल यशल्स की एडिटिंग करते हैं उस दिन सर्वाइकल का प्रॉब्लम होना शुरू, तो थोड़ा सा जल्दी बता रहा, तो मुझे एडिटिंग में भी टाइम मिल जाएगा कि मैं एक साथ नहीं करूंगी एडिटिंग, थोड़ा थोड़ा रुक के कर लूंगी। तो गाइस सभी जगह बहुत ज्यादा प्यार दो, एक्चुअली कंटेंट हमने सोचा हुआ, बट हम चाहते हैं कि आप बताओ हमें, तो हम आपके हिसाब से वीडियोस बनाएं कि आप क्या देखना चाहते हो, इसलिए कंटेंट तो ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने, डायरी पड़ी साइड में, वहां पे लिखा, और कमेंट करके बता देना आज का लुक मेरा कैसा लग रहा था, मस्त लग रही थी मैं, क्योंकि मैं भी ऐसा सोच रहे थे हो क्या गया लड़की को, ये कैसे एकदम ग्रहणी से ऐसी बन के आ रहे, क्योंकि मैं चश्मा लगा के पहुंच गई वहां पे, तो कार्तिका का रिएक्शन हाय हाय हॉट गर्ल ऐसा करके आया उसका, मैंने जब उसको मिली ना वो मुझे क्या हो गया, हॉट अटक गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हुआ, अटक गया था, कैसे अटक गया। तो चलो गाइस हमारे जरा हार्डकोर सही नहीं चल रहे हाँ, तो मुझे ना तार वाले ही हाथ है, और जाना तो मत बोले यार, दर्द भी हो रहा है।
कुछ नहीं हो रहा, तो ठीक है गाइस, इसी के साथ इस करते हैं इस व्लॉग को एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। तो हटा ले यार कम से कम, फिर हटा। 5 मिनट एक काम कर, 5 मिनट तू मेरे पैर दबा दे, 5 मिनट मैं तेरे पैर दबा दूँ। 5 मिनट आप पहले मेरे पैर क्यों दबा देते हो? आप 5 मिनट मेरे पैर दबा लो, फिर मैं आपके दबाऊँ। मैंने पैर तू दबा, आप दबा दो मेरे पैर। सच में प्लीज यार, सो जाएगा रात के 12 बजे के यार। तो आप मेरे पैर दबा दो ना पहले एक बार, फिर मैं पक्का दबा दूंगी। तो एक काम कर, तू मेरे हाथ दबा दे पहले एक बार, फिर मैं तेरे पैर दबाऊंगी। मैंने आपके हाथ दबाए तो आप सो जाओगे। नहीं मैं नहीं सोऊंगी पक्का। एक काम करते हैं, मैं एक हाथ से आपका पैर दबा रही हूँ, आप एक हाथ से मेरा हाथ दबाओ, इक्वल इक्वल रखेंगे चीजें। बताओ सुन ना, तू पहले, तू पहले मेरे हाथ दबा दो ना। तू मैं हाथ दबा देती हूँ ना, आपको दूसरा हाथ खा लीजिए बिल्कुल। आप मेरे पैर, ये वाला पैर दबाइए। ठीक है, लग जा लग जा। अल्लाह क्या कर रही है ऊपर से, ऊपर से यहाँ से बॉडी के पीछे दबा। हाथ दब नहीं रहे पैर। दबेगा यार, दर्द हो रही है कैसे? मेरे को दर्द हो रही है ना यार। दे दो, मेरे को नहीं पता मेरे पैर। ऊपर से दबाओ ना यार, दर्द। ऊपर से कहाँ से? अरे इधर इधर से, जहाँ पे मोटी मोटी स्किन है। हाँ थोड़ से लगा ले बाबू, अब जोर नहीं लग रहा। एक मेरे को इच्छा से दबा रही हूँ। तू भी कहाँ दबा कैसी है बाबू, दबा देगी तो कैसे? तू पता कैसे दबा रही ऐसे ही? तो आप तो ऐसे ऐसे फोके फोके हाथ लगाए जा रहे हो यार, इतने में तो पता भी चल रहा मेरे पैर को कुछ। ले हाँ, गुस्सा मार तूने। ले ले धीरे धीरे कुत्ती, तूने तो बोला गुस्सा मार। गाइस मेरे हाथ में दर्द हो गया, घूसा मार के देख जाए। अब देख जितने मैंने तेरे घूसे मारे उसके बराबर का तो हाथ दबा दे कम से कम। उठ गया, हाय उठ गया, सो जा सो जा सो जा सो जा। प्लीज बाबू नहीं है, प्लीज अच्छे से दबाइए। क्या कर रही जान, आज नहीं अच्छे से दबाया जान के। मैं 10 बजे से कह रही हूँ सो जा सो जा, तब तक दोबारा से भूख लगने लग गई यार। उस बेचारे को भी जगा दिया, अच्छे खास से सो रहा था। क्या साड़ो, जिम कर रहे हो मेरी अच्छी तरह से कर रहे हो तो? हाँ क्या, मैं तो भी आ गया, तुम दोनों से कोई जरूरत नहीं कल तो जिम जाने की, रात को नाटक करते हो। इधर कर रहे हो, कभी इधर कर रहे हो। जान यार बस हो गया यार, अब दबा तो लिया आपने अपना हाथ यार, कितना दबाऊं बताना? अच्छे से दबाना, अच्छे से दबाना। पड़ी है इधर उधर बाबू, हालत तो मेरी भी तो हो रही है। मेरे पैर दबा दोगी तो यार लेफ्ट वाले में तो बहुत दर्द हो रहा है जान, कसम से बोल रही हूं। मेरी हड्डी थोड़ी तोड़नी है, हड्डी थोड़ी ये क्या क्रॉस में? हां बाबू ऐसे वर्क कर दे तो मजा आ रहा है। हां अब तो थोड़ा उससे भी दबाना इस वाले हाथ से, जान मेरे दर्द हो रही है। अब तो कुछ और ही लग रहा है, कर रही है पैर के साथ मेरे। हां कर ले करो चल तू बैठ। ओके।